सोशल मीडिया के जरिए अब कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव के दौरान किए गए चुनावी वादों की याद दिलाएगी। कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी तक आम जनता की आवाज के साथ साथ हर खाते में 15-15 लाख रुपए पहुंचाने की मांग करेगी। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरकार द्वारा किए गए चुनावी वादों को पूरा न करने पर कटाक्ष किया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। बिष्ट ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव के दौरान जो चुनावी वादे किए थे उसमें से अभी तक एक भी पूरा नहीं किया गया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि अच्छे दिन, काला धन वापस लाने, महंगाई को दूर करने, हर खाते में 15-15 लाख रुपए डालने की बात कही थी, लेकिन उन पर अभी तक कोई भी अमल नहीं किया गया है। पार्टी ने देश की सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने के लिए जिस तरीके से लोगों की भावना को ठगने का काम दिया और 15 लाख रुपए खाते में जमा करने की बात कह के जो चुनाव आचार संहिता है, जो चुनाव का हमारा नियमावली है, उसकी धज्जियां उड़ाने का काम किया, तो आज देश की जनता का अधिकार है कि वो 15 लाख रुपए मांगे, क्योंकि उन्होंने लोगों के मन में इस ढंग की आशा जगाई कि लोगों ने अपने भविष्य का ताना बाना बुना कि अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आने के बाद जब 15 लाख रुपए दिलाएंगे तो वो अपने परिवार के भविष्य की उन्होंने पूरा एक खाका खींचा। आज आदमी 2 साल के बाद निराश है। अमित शाह ने कह दिया कि ये चुनावी जुमला है, तो अगर ये चुनावी जुमला था तो इनको क्या अधिकार था लोगों की भावना से खेलने का। इसलिए जो लोग जिन्होंने उस आशा और विश्वास और लालच में फंसकर इनको वोट दिया, वो प्रधानमंत्री से 15 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। और सोशल मीडिया का युग है, हम उस सोशल मीडिया का उपयोग करके प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहते हैं कि आप के वायदे पर जिन्होंने आपको वोट दिया उनको उस वोट की एवज में 15 लाख रुपए दीजिए। ये मुहिम हम यहाँ देहरादून से शुरू करके शिक्षक दिवस के उस अवसर पर आपके माध्यम से उम्मीद करते हैं कि पूरी 70 विधानसभा में जिन जिन लोगों की मांग होगी कि उनको 15 लाख रुपए मिले, वो चेहरे सामने आ सकें और आप देखेगा कि हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग इस मांग में हमारे साथ जुड़ेंगे। देवभूमि न्यूज़ देहरादून।